हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे ये गांव में, मैं गांव में ही हूँ अभी, तो यहाँ पे देखो ये बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा और सड़क के ऐसे हाल हो गए हैं। ऊपर से खेत भी सारे टूट चुके हैं और सड़क पूरी टूट गई है। जो ये मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से इतनी दूर श्रीनगर दिखता हमारे यहाँ से, तो मैं ये भी दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ पे गांव से इतनी ये जो दूर दिखाई दे रहा है, नदी दिखाई दे रही है, ये श्रीनगर की है और ये हमारा गांव की सड़क है। तो सड़क के बहुत बुरे हाल हो गए हैं और मैं व्यू भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं सड़क में खड़ी हूँ, यहाँ से मैं पूरा दिखा रही हूँ। और ये 8वीं तक की स्कूल है हमारे गांव में, और ये गांव है एक हिस्सा, मतलब जो हमारे गांव में ये आधा हिस्सा है जहाँ मतलब हम रहते हैं, ये वाला वो वाला है। और मैं दूसरा हिस्सा भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारा गांव दूर से कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखो सड़क इतनी टूट चुकी है कि लोग फंस गए हैं, कोई ये बाइक में आ रहे हैं तो बड़े मुश्किल से निकाल रहे हैं वो बाइक को, और धस गई है नीचे टायर, तो आराम से आ रहे हैं वो। और इतनी ये सड़क नीचे चली गई है। और दोस्तों, ये सड़क पक्की वाली है और ये हमारे गांव का दूसरा हिस्सा है, दूसरी साइड का, वहाँ से पूरा नहीं दिखाई दिया तो ये दूसरी साइड का हिस्सा है। और ये है श्रीनगर, गढ़वाल से 15 किलोमीटर पे आता है ये गांव, भटोली नाम है इस गांव का। यही मेरा गांव है, मतलब मेरा ससुराल है, तो ये दूसरा हिस्सा है ये। और मैं शाम के समय हम पानी लेने गए थे, थोड़ा सा ठंडा पानी लेने जाते हैं यहाँ फ्रेश। तो मैं व्यू दिखा रही थी आप लोगों को, फिर दोबारा से बारिश होने वाली है और ऐसे दिखते हैं हमारे यहाँ के पहाड़। और इस तरह दिखता है यहाँ पूरा गांव। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मतलब उत्तराखंड में ऐसे गांव, ऐसे घर, ऐसे बनते हैं। और सड़क के काफ़ी नज़दीक है हमारा गांव, मतलब हमें कभी भी पैदल नहीं चलना पड़ता है। हाँ, गाड़ी से उतरो सीधा गांव लग जाता है। तो ये ऐसे होता है यहाँ पे, हम मेरी देवरानी में सब थे, हम चक्की के ऊपर खड़े हो रखे हैं, यहाँ पे चक्की है और मैं ये गाड़ी आ रही है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मतलब रोड पक्की है घर तक ही। और ये है 8वीं तक की स्कूल है दोस्तों, गांव में ही है ये स्कूल। और ये है 5वीं तक की स्कूल, ये 5वीं तक की स्कूल, यहाँ पे मेरे देवरों ने 5वीं पास इसी वाली स्कूल में किया था। लेकिन ये 8वीं वाली स्कूल बाद में बनी थी, जब मेरी शादी की काफ़ी देर बाद बनी थी ये 8वीं तक की स्कूल। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। बाय।